देख लो इतना मतलब बदतमीज है ना, मास्क की हालत देख लो, मास्क हाथ में है और उसका जो इलास्टिक है वो कानों में, तो इतना बदतमीज बच्चा है। ये मेरा पर्सनल कैमरामैन बन गया अभी। अच्छा है ना, तो अभी बच्चे के चेहरे पे खुशी देखिए, सर को मना करने वाली, दिखाओ कटले वाले, ले 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 ले, ये खुशी देखो। बाबू कान पकड़ो ना फिर जब खड़े हो तो। ये अभी आंटी मेरे लेकर आई है लिट्टी चोखा अचार। चलो अब आपको मिलवाती हूँ कि कौन आया है। ये मिलिए, ये है रॉबिन। कौन है? जिया जी है। जिया जी नहीं है, ब्लॉग में तुम मेरे आ रहे हो। ये है रॉबिन का बेटा नील, से हेलो। हेलो। और ये है हमारी प्यारी प्यारी यूनिवर्सल 7 नंबर वाली आंटी। मतलब आंटी है ना, वैसे तो आंटी का नाम पूनम है, बट हम लोग इनको 7 नंबर आंटी बोलते हैं। इवन ध्रुव भी इनको 7 नंबर वाली आंटी बोलता है। जब आंटी आती है ना तो हम लोगों को उम्मीद, हमको तो बहुत ज्यादा उम्मीद रहता है कि भाई अब पता नहीं इस बार क्या स्पेशल आंटी खाना खिलाने वाली है, और लिट्टी और एक बनता है पिट्ठा जो हमारे यहाँ का फेमस है। नहीं नहीं आंटी बिल्कुल नहीं है, देखो मैंने जैसे ही पिट्ठा का नाम लिया आंटी बोल रही है कि पिट्ठा बनवा दे क्या। रॉबिन कान पकड़ो ना फिर जब खड़े हो तो। रॉबिन को हम लोगों ने पनिशमेंट दे दिया है, कान पकड़ खड़ा रहेगा। और आंटी आप तो ऐसे बैठ गई जैसे पता नहीं शादी के लिए अब जा रहे वीडियो करनी है। अरे तब क्या था, हम लोग तो मिलते हैं। ये मामा मामा और आंटी ये दोनों चड्डी बड्डी हुआ करते थे। आप सबसे मिल चुके हो, इन दोनों शैतान से मिलो, नाम बताओ जल्दी। हम लोग इसको, ये जो है ना पीछे गप्पू, उसको प्यार से गोटलू में बुलाते हैं, और ये है छोटू, प्यार वाला नाम है छोटू, तो वो है श्रेयश, एंड ये है शौर्या। हेलो। ये दोनों दीपाली के बच्चे हैं और एक नंबर के क्या बोलूं मैं, शैतान बच्चे हैं। हम लोग से अच्छा कोई, इनसे अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में। और अभी क्या हुआ है ना कि हमारा रैंडम प्लान बन गया है अभी कि भाई चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं, तो हम लोग हाँ 4 लेन की तरफ ढाबा है, तो अभी हमारा प्लान हुआ है। दीपाली का अचानक से फोन आया कि वहाँ चलो, तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं, और इसी बहाने ड्राइव भी हो जाएगी हमारी, एंड थोड़ी सी ब्लॉगिंग भी हो जाएगी मेरी है। तो गोटलू बच्चा कितना एंजॉय करो ना मौसी के साथ। दीदी मैच, ओ माय गॉड। तो ये देख लो इन तीनों दोनों ने मिलकर मुझे ऐसे दबाया हुआ है, अभी बस ये गेट पे प्रेशर लगेगा गेट खुल जाएगा। ठीक है चलो मैनेज कर लेंगे यार, सह लेंगे थोड़ा सा। बच्चों का मन है कि हम वैसे बस पे बैठ के जाएं, तो ये देखो बच्चा कितना पढ़ा यार, वैसे मौका मिलना चाहिए एक बार वैसे ना बस पे जाने का, बस के ऊपर मोबाइल है उस पे भी बैठने का अपना मजा है क्या। देखो ना कोरोना टाइम पे मास्क नहीं पहनी भी है, मास्क मैंने पहना हुआ है बस यहाँ नीचे है वो आप लोगों को पता है। इतने सारे लाइन होटल हटने के बाद हम पहुँचे हैं फाइनली सम्राट फैमिली रेस्टोरेंट। दीपाली हमें यहाँ लेकर आई है क्योंकि ये लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी, तो इसको काफ़ी यहाँ का जो खाना था अच्छा लगा है। एंड हाँ भैया काका खिलाओगे आज? भैया क्या क्या है बताइए जल्दी जल्दी। ना ना हम वेज खाएंगे, पनीर हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। और ये इधर इस होटल के साथ ये देखो ये सरसों का खेत है, बस एकदम अदरक वाला तेज चाय, तेज है ना, तेज अदरक वाला चाय ले आओ। देखो दो छोटा छोटा बच्चा है, दोनों बच्चा क्या काम करते हैं यहाँ पे। आलू मसाला जो है आपका ये क्या किया, आलू दम का बना हुआ रहा था मसाला। ये चाय हमारी अदरक वाली चाय, प्याज का पकौड़ा मंगा लेने दो, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। मेरा डिसीजन, फ्रेश कितना खाओगे? हम बस पांच। फ्रेश नाराज है, बोल रहे अपने में से देगा नहीं, मैं बोल रही मैं तो तुम्हारे बारे में से लेके ही रहूंगी। एक अभी फिलहाल हमारा डिसीजन ये हुआ है, एक पनीर पकौड़ा आ रहा है, एक प्याज पकौड़ा आ रहा है। फाइनली डिसाइड हो गया क्या? यस। अच्छा एक और मज़ेदार बात ये है कि भाई इन बच्चों को खान जो है आलू की सब्ज़ी नहीं खानी है,
तो बेचारे भैया बोल रहे थे कि आलू बॉईल होने में टाइम लगेगा, तो चलो हमें टाइम, अभी पहले आलू बॉईल होगा फिर इनके लिए आलू की सब्जी आएगी, तो अभी हम आधा एक घंटा यहीं बैठते हैं। पहले हम लोग इधर से जाया करते थे बरौनी, हथिदा वगैरह, तो अब ये काफी अच्छा ये फोर लेन बन गया है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल सेफ है, ढाबा मस्त, सिर्फ हमारी फैमिली है और कोई भी नहीं है। दीपाली लगी हुई है, पता नहीं पप्पू जी को क्या क्या बोल रही है, डांटी जा रही है, ओ माय गॉड, और पप्पू जी इन सेल्फी मूड। खाना आने के बाद की शांति, सब खाने में लग गए तो ये सन्नाटा है, खाना आने बाद की शांति। डन विद खाना पीना एंड बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा खाई, सबसे ज्यादा कोई बात नहीं, हमें सबसे ज्यादा खाई एंड बहुत मस्त ट्रीट था दीपाली के तरफ से, है दीपाली बहुत अच्छा ट्रीट था तुम्हारे तरफ से, बट खाना इतना बढ़िया था, कितने टाइम के बाद मैंने हाँ इधर इतना रीजनेबल यार, हमने इतना खाया और 1000 में हमने खाया, 1050 आलू पनीर दाल राइस एवरीथिंग एंड बटर रोटी चाय कॉफी पनीर पकौड़ा एंड इतना टेस्टी था, मतलब पता नहीं कितने टाइम के बाद मैंने ऐसे बिहार के ढाबे पे खाना खाया है आफ्टर इयर्स। थोड़ी सी फोटोग्राफी के लिए भी हम लोग नीचे उतर गए थे क्योंकि कुछ पिक्चर ही नहीं था, कैमरा है नहीं, कुछ अच्छी फोटो आई नहीं है, बट हाँ अब जा रहे कार में। आज मेरा लास्ट डे है पटना में, कल मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। वैसे बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही है, बट अब मेरी इवनिंग की फ्लाइट है, देखते हैं। अभी मेरा कज़न परसों जाने वाला था तो उसकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी एंड वो कल गया है, तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल ना हो एंड मैं आराम से जल्दी से अपने घर पहुँच जाऊँ। तो बस वही अब थोड़ा सा मन तो उदास हो ही जाता है, नो डाउट मम्मी के घर से जाने से, बट ठीक है अपना घर पहुँचना तो है, बढ़िया है, जा रही है, मतलब बहुत चाहती है। ये पूरा अब ये इवनिंग का सीन है, अब सनसेट होने वाला है इधर, ये देखो ये पूरा जो सीन है ना ये इवनिंग का है, थोड़ा थोड़ा फॉगी हो गया है और इतना मज़ा आ रहा है देख के, मेरा तो यहाँ से घर वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा, बट घर तो जाना ही है यार, छोड़ देते हैं रात में पैदल चल के चले आना छोड़ दो पक्का पैदल आ जाएंगे, रात में कितना फॉग होता है तुमको पता चल, तुम करो ना दीदी छुपा रुस्तम जा दीदी देख लो इतना मतलब बदतमीज है ना, मास्क की हालत देख लो, मास्क हाथ में है और उसका जो इलास्टिक है वो कानों में, तो इतना बदतमीज बच्चा है। हम यहाँ से लौटने में लेट हो गए हैं तो अब गोटलू अपने सर को मना कर रहा है, तो अभी बच्चे के चेहरे पे खुशी देखिए सर को मना करने वाली, दिखाओ गोटलू ले 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 ये खुशी देखो। ये आ गए हम गांधी घाट, चलो आओ आओ आओ, दीपाली ये दीपाली ये जो है ये क्या इसी पे वो गोल गोल घुमाता था क्या पहले इसी पे घुमाता था, तो अब क्या बंद हो गया है, चल रहा है ये क्या है बताओ ना ये पुल बन रहा है, इस पे ऊपर में ट्रेन भी चलेगा और नीचे गाड़ी भी चलेगी, हाँ ऊपर, अच्छा ये जो है इसके ऊपर मेट्रो नहीं है तो ट्रेन का सीन है, अच्छा ओके, ये ऊपर एक ब्रिज बन रहा है, ये पूरा आगे तक है एंड ये जो था ना पूरा मरीन ड्राइव इधर, ये जो कि जो सामने जो ये बोट नजर आ रही है एक्चुअली पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हुआ करता था, है ना, और बंद फिलहाल हो गया, अभी बंद हो गया है, अच्छा कुछ साल से ये बंद हो गया है। गंगा जी पता नहीं आफ्टर सो मेनी इयर्स मैं आई हूँ गंगा घाट, गंगा जी के ऐसे दर्शन हो रहे हैं, अभी पीछे हरिद्वार गई थी 4-5 साल पहले अभी, बट पटना के घाट पे मैं बहुत सालों के बाद आई, आफ्टर मैरिज मैं पहली बार आई, तो सामने रास्ता है वहीं से होके फ्लोटिंग वो लगा रहता था, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जाते थे, शौर्य है, मच्छर दिखाओ, मच्छर तो है, बोट लो नहा लो ना जाके, गर्मी लग रही थी कार में, बोल रहे थे एसी चला दो ना, चलो ठंडा पानी है, एक्चुअली ब्लॉगिंग करते करते एक टेंशन और हो रही थी कि कोई फोन खींच के ना भाग जाए हमारा, तो शौर्य बोल रहा है एक हाथ से फोन पकड़िए एक हाथ से ब्लॉगिंग कीजिए, तो ठीक है अब हम मरीन ड्राइव से होके वापस जाने लगे हैं
अपनी कार की तरफ, क्योंकि शाम काफी हो गई है और हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है इधर। क्या 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 ये देख रहे हो, शैतान बच्चों का तो क्या करे बोल रहे हाँ दे दो, तुम्हें दे दो, तुम्हें दे दो। क्या मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ। ये मेरा पर्सनल कैमरामैन बन गया अभी। अच्छा है ना, यहाँ पे आओ दादी पहले फोटो खिंचवाया जाए क्या? ठीक है क्या, यहाँ पे हम लोग एक फोटो खिंचवा लेते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम लोग है तब गोट लो। कितने टाइम के बाद, मज़ा आया ना बेटा? हाँ है दीपाली, बहुत मज़ा आया। तो चलो आज का दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉयफुल था, खूब मज़े किए हमने। क्या पप्पू जी थक के बैठ गए आप? हाँ, ये आ गए हम दीपाली के घर। तो अभी दीपाली के घर से चाय वाय पी के जाएंगे हम अपने घर। Thank you.